जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति धन प्राप्ति के लिए न जाने कौन कौन से मार्ग अपनाता है, लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि केवल कुछ तस्वीरें आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन का मार्ग खोल सकती है। यहाँ आप जानेंगे कि आपको घर में किस तरह के चित्र लगाने चाहिए जिससे आपके जीवन में शांति समृद्धि और खुशहाली के साथ साथ धन की भी बरसात होने लगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों बिना देर किए कि आपको घर में कौन सी तस्वीर को लगाना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और करें, लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहली बात है, आपको अपने घर में जो तस्वीर लगाना है वो राम दरबार की तस्वीर लगाना है। घर में जब ज्यादा सदस्य होते हैं तो सबके बीच मन मुटाव या विवाद होना आम बात है, इसलिए श्री राम दरबार की तस्वीर लगाएं। इससे घर में प्रजातंत्र की भावना प्रबल होती है और सभी का मान सम्मान करने की भावना आती है और परिवार के सदस्य के बीच प्रेम बढ़ता है। उसके बाद दूसरी तस्वीर है माँ लक्ष्मी की। दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन दौलत वैभव की प्रतीक है, इसलिए अगर आप घर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर लगाते हैं तो आपको कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। माँ की आप पर विशेष कृपा हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद है दौड़ते घोड़े की तस्वीर। अगर आप अपने घर की खिड़की पर दौड़ते घोड़े की तस्वीर लगाते हैं तो इन नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करता है। उसके बाद है दोस्तों माँ सरस्वती की तस्वीर। सनातन धर्म में देवी सरस्वती को विद्या, बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी माना जाता है। ऐसे में अगर आप सरस्वती माँ की तस्वीर घर में लगाएंगे तो आपका विवेक हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, उसके बाद है स्वान की तस्वीर। अगर आप अपने घर में अपार धन और समृद्धि चाहते हैं तो हंस की बड़ी सी तस्वीर जरूर लगाएं। माना जाता है कि इससे व्यक्ति हमेशा खुश रहता है और धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।